वेलकम बैक अजीज़ाने गिरामी। सूरा हूद चल रही है, आयत 116। फलौला काना मिनल कुरूनी मिन कबलिकुम, फिर उन उम्मतों में से जो आपसे पहले गुजरी, ऐसे अकल वाले, ऐसी बसीरत वाले क्यों ना हुए। उलू बकियतिन, जो ज़मीन में मौजूद थे, यनहौन अनिल फसादी, के वो मना करते फसाद होने से, फिल अर्दी ज़मीन में, इल्ला कलीलम, उनमें से बहुत थोड़े ऐसे थे, मिम्मन अंजैना मिनहुम, जिन्हें हमने उनमें से निजात दी, व तबा लदीना, और जिन लोगों ने जुल्म किया, लदीना ज़लमु, जिन लोगों ने जुल्म किया, ये उनके पीछे लगे रहे, मा उतरिफु फीही, और उन चीज़ों के पीछे लगे रहे जिनमें इन्हें आसूदगी मिलती थी, फीही वकानु मुजरिमीन, और ये मुजरिम कौम थे। वमा काना रब्बू का, और आपका रब ऐसा नहीं है, लियुहलिकल कुरा, के वो बस्तियों को हलाक करे, बिजुल्मिन जुल्म के साथ, व अहलुहा मुस्लिहून, जबकि उन बस्तियों के रहने वाले बाशिंदे इस्लाह वाले हों। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन उम्मतों में जो आपसे पहले गुजरी, ऐसे अक्ल व बसीरत वाले क्यों ना हुए, जो ज़मीन में लोगों को फसाद फैलाने से रोकते, लेकिन बहुत थोड़े लोग ऐसे थे इनमें जिन्हें हमने निजात दी, और जिन लोगों ने जुल्म किया, और वो इन चीज़ों के पीछे लगे रहे जिनमें वो जालिम आसूदगी दिए जाते थे, और वो मुजरिम थे। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है, आपका रब ऐसा नहीं है कि वो बस्तियों को जुल्मन हलाक कर दिया करे, जबकि वहाँ पे इस्लाह करने वाले नेक लोग रहते हों। मतलब यह है कि कहीं पर भी कोई एक भी रोकने वाला अगर है, तो अल्लाह ताला ने उस बस्ती को अजाब में मुब्तला नहीं किया है। वलौ शाह और रब्बू का, और अगर आपका रब चाहता, लजालन नासा, तो बना देता लोगों को, उम्मतं वाहिदतन, एक अकेली, एक ही उम्मत, वला यजालून मुख्तलिफीन, और वो बाहम इख्तिलाफ करते रहते, इल्ला मन रहम रब्बुका, सिवाय उन लोगों के जिनके जिन पर आपके रब ने रहम फरमाया, वलिज़ालिका खलक़हुम, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया, व तम्मत कलिमतु रब्बिका, और आपके रब की बात पूरी हुई। क्या बात थी? लअम्लअन्ना जहन्नमा, कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं जहन्नुम को भर दूंगा, मिनल जिन्नती, जिन्नात से, वन्नासी, और इंसानों से, अजमाइन, सब के सब। और अगर आपका रब चाहता, तो यकीनन तमाम लोगों को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो हमेशा इख्तिलाफ़ करते रहेंगे, सिवाय उन लोगों के जिन पर आपके रब ने रहम किया, और इसीलिए उसने उन्हें पैदा किया। और आपके रब की बात पूरी हुई कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों सब से ज़रूर भरूंगा। वकुल्लन नकुस्सु अलैका, और हम आपको ख़बर सुनाते हैं, मिन अम्बा रसूली, तमाम रसूलों की ख़बरों में से, मा नुसब्बितु बिही फुआदका, और इन ख़बरों से, इन पिछली तमाम वाक़यात से, हम आपका दिल बांध रहे हैं, हम आपका दिल मजबूत रखते हैं। वजा अकाफ़ी हाजिल हक़, और आपके पास इसकी इस सूरत में हक आ जाता है, व मौज़तुन, और नसीहत भी, व ज़िक्रा, और याद दहानी भी, लिल मोमिनीना, मोमिनों के लिए। वकुल लिल्लज़ीना, और आप फरमा दीजिए उन लोगों से, ला युमिनूना, जो ईमान नहीं लाते, इअमलू आला मकानतिकुम, तुम अपनी जगह पर अमल करो, इन्ना आमिलून, हम भी अपनी जगह पर अमल कर रहे हैं, वन तज़ीरू, और तुम इंतज़ार करो, इन्ना मुंतज़िरून, हम भी इंतज़ार करने वाले हैं, वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, गैबुस समावाति वल अर्दी, आसमानों और ज़मीन की हर पोशीदा चीज़, व इलैही युरजाउल अम्रु कुल्लुहू, और सब काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं, फाबुदहू, चुनाचे आप उसी की इबादत कीजिए, व तवक्कल अलैह,
और आप उसी पर भरोसा कीजिए। वमा रब्बु का, और नहीं है आपका रब बेगाफिलिन बेखबर अम्मा तामलून, जो अमल भी तुम करते हो। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ताला का शुक्र, सूरह हूद मुकम्मल हुई। अब इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ शुरू करते हैं। ये मक्की सूरत है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत तफसील से बयान फरमाया है, और ख़ुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा है, और ये बेहतरीन किस्सा है जो हम आपको सुना रहे हैं। अहसन अल-क़सस, किस्सों में सबसे अच्छा बेहतरीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार ने सवाल किया यहूद के सिखाने पर, और यहूदियों ने यह सिखाया कि अगर तो ये सच्चे नबी हैं तो फिर इन्हें मालूम होगा, और अगर ये नबी नहीं हैं तो ये फिर यहाँ फंस जाएंगे, फिर तुम जो चाहे इनके साथ खुद ही सलूक कर लेना। और सिखाया ये कि आप इनसे ये पूछें कि वो हज़रत यूसुफ़ का क्या किस्सा है। कुफार मक्का ने कभी भी हज़रत याकूब के बेटों का यह किस्सा नहीं सुना था। उनके लिए बिल्कुल वो नाबलद थे, वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि हज़रत यूसुफ़ का क्या वाक़या है, हज़रत यूसुफ़ कौन है। उन्हें यहूद की यह बात बिल्कुल समझ में आ गई, और उन्होंने जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत यूसुफ़ के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और पूरा किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का को सुनाया तो उनकी आँखें खुल गईं, और जब यहूद ने कुफार मक्का की ज़बान से सुना उनकी भी आँखें खुल गईं, क्योंकि तौरात में ये किस्सा बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में मौजूद है। मक्की सूरत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा, ये वाज़े किताब की आयात हैं। इन्ना अनज़लनाहु, यकीनन हमने इसे नाजिल किया है कुरान मजीद को, कुरआनन, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, अरबियन, अरबी ज़बान में, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक़ल करो, समझ सको। नहनु, हम नक़ुस्सु अलैका, आपके सामने एक किस्सा बयान करने वाले हैं, अहसन अल-क़ससी, जो बेहतरीन किस्सा है दास्तानों में, किस्सों में सबसे अच्छा, बिमा औखाइना अलैका, उनमें जो हमने आपको अब तक सुनाए हैं उन सबसे अच्छा यही है, अलैका, आपकी तरफ, हाज़ल क़ुरानी, इस कुरान में, व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही, और आप इससे पहले, लमिनल गाफिलीन, बेखबर थे, ये किस्से आपने नहीं सुन रखे थे। इस क़ाला यूसुफ़, जब कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, ली अबी ही, अपने बाप से, या अबती, इन्नी रअयतु, ए अबा जान, मैंने देखा, अहदा आशरा कौकबन, मैंने 11 सितारों को ख्वाब में देखा, वशमसा, और सूरज को, वलकमरा, और चांद को, रअयतुहुम, मैंने उन्हें देखा, ली साजिदीन, कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। काला या बुनैया, तो हज़रत याकूब ने जवाब में कहा, ए मेरे बेटे, ला तकसुस, ये ना बताना, ये ना सुनाना, रुया का अपना ये ख्वाब, आला इख्वती का अपने भाइयों को, फ़यकीदू लका कैदा, तो वो तेरे लिए कोई चाल न चल बैठें, कोई तदबीर बुरी न कर लें। इन शैतान, बेशक शैतान, लिल इंसानी अदुव मुबीन, इंसान का बहुत बुरा, बहुत खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। वो कज़ालिक, और इसी तरह, यजतबी का, वो तुझे मुमताज़ बना देगा, वो तुझे मुमताज़ मकाम अता करेगा, रब्बू का, जो आपका रब है, वह युअल्लिमु का, और आपको सिखाएगा, मिन तअवीलिल अहादीसी, बातों की, ख्वाबों की, असल समझने की, वह युतिम्मु, और मुकम्मल करेगा, नेमतहु, अपनी नेमतों को, आलई का, तुम्हारे ऊपर, व अला आले याकूब, और आले याकूब के ऊपर, कमा अतम महा, जैसे कि उसने पूरी की, आला अबवई का, आपके माँ बाप, आपके बाप दादा पर, मिन कबलू, इससे पहले, इब्राहीम और इसहाक़, इब्राहीम के ऊपर और इसहाक के ऊपर, इन्ना रब्बा का, बेशक आपका रब, अलीमुन हकीम, बहुत जानने वाला
और बड़ा दाना है। लकद काना फ़ी यूसुफ व इख्वती ही आयातुल सायलीन, यूसुफ और इसके भाइयों के वाक़े में साइलों के लिए, सवाल करने वालों के लिए निशानियां हैं। इस कालू ल यूसुफ, जब उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ व अखूहु और इसका भाई अहब्बु इला अबीना, हमारे वालिद की नज़र में ज़्यादा प्यारा है, मिन्ना हमसे व नहनु उस्वा, जबकि हम तो बहुत बड़ा ग्रुप हैं, ताकतवर जमात हैं, इन्ना अबाना, बेशक हमारा बाप लफ़ी दलाल मुबीन, खुली खुली गुमराही में है। उक्तुलु यूसुफ़ा अवितरहूहु अर्द यखलु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही कौमन सालहीन। उक्तुलु, कत्ल कर दो, मार डालो यूसुफ़ा यूसुफ को, या फिर इसे कहीं फेंक आओ ज़मीन में, तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारे लिए खाली हो जाएगा। और इसके बाद तौबा करके नेक बन जाएंगे। काल काल मिनहुम, अब इन भाइयों ने ये आपस में ही मशवरा कर रहे हैं, कहा ला तख्तलु यूसुफ़, यूसुफ़ को मारते नहीं हैं, व अलकूहू, इसको डाल दो, फ़ी गयाबात अलजुब, भी किसी अंधे कुएं में, किसी कुएं की गहराई में, यल्तकित हो, इसको ले जाएगा, बाद उस सैयारती, कोई मुसाफिर, इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुमने कुछ करना ही है, अगर तुम ज़रूर इससे जान छुड़ाना चाहते हो तो ऐसे कर लो। अज़ीज़ाने ग्रामी, यह किस्सा यूँ शुरू हुआ, हज़रत यूसुफ़ और इनकी वालदा का एक और बेटा बिन्यामीन थे, ये दो भाई एक माँ से थे और बाकी दूसरी माँ से थे, दूसरी एक माँ से, बाकी सारे भाई थे। हज़रत यूसुफ सबसे छोटे थे, बहुत हसीन थे और बहुत हिल्म वाले थे, बहुत खामोश, बहुत बुर्दबार वाले, बहुत डिसेंट। तो छोटा सा बच्चा और इस कदर डिसेंट हो और हसीन भी हो और फिर सबसे छोटा भी हो, छोटे वैसे भी लाडले होते हैं। हज़रत याकूब को इनसे बहुत प्यार था और इनको सच्चे ख्वाब आते थे। इन्होंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और एक सूरज और चांद सब इनके सामने सजदा रेज़ हैं। इन्होंने अपने वालिद को ख्वाब सुनाया तो इनके वालिद भी पैगंबर थे, उनको समझ में आ गया कि ये मामूली बच्चा नहीं है और ये 11 सितारे कौन हैं, सूरज कौन है, चांद कौन है, इन्हें सब समझ में आ गया। तो इन्होंने फौरन ही कहा कि अपने भाइयों के सामने इस ख्वाब का कोई ज़िक्र ना करना, वो तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद की बात मानी और ये ख्वाब नहीं सुनाया किसी और को, लेकिन आपस में भाई बैठे ये कहने लगे कि हज़रत यूसुफ़ भी और इनका जो सगा भाई है वो हमारे बाप को हमारी नस्बत ज़्यादा प्यारा है, ये तो सिर्फ दो हैं और हम तो 11 हैं, हम ताकतवर हैं, हम बड़े हैं, जवान हैं, मेहनत करते हैं, बाप का ख्याल करते हैं, घर चलाते हैं, फिर भी हमारे बाप को वही प्यारे लगते हैं जिनकी ये ख़ुद खिदमत कर रहा है। ऐसा ना करें कि हज़रत यूसुफ़ के इनके सामने से ले जा के ज़मीन के किसी कोने में फेंक आएँ कि वो वापस ना आ सकें। ज़ाहिर है छोटे बच्चे थे ना, तो वो अगर कहीं फेंक आते उन्हें तो उन्हें कहाँ पता चलता कि कैसे घर जाना है, और या इन्हें कत्ल कर दें। अब हमारे बाप के पास इसके सिवा चारा ही नहीं होगा कि हम ही उसको नज़र आएंगे तो हम ही से प्यार करेगा। उसके बाद इन्हीं में से एक भाई ने ये मशवरा दिया कि ऐसा करो कि कत्ल नहीं करो, किसी कुएं में ले जाके फेंक दो, वहाँ से मुसाफिर पानी भरने के लिए आएगा तो इनको लेके चला जाएगा, हमारी भी जान छूट जाएगी और कत्ल भी ना करो। कालू या अबाना, उन सब ने मिलकर अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, मालका ला तअमन्ना, क्या हो गया है कि आप हम पर इत्मीनान ही नहीं करते, एतबार ही नहीं करते, आला यूसुफ़ा, यूसुफ़ के मामले में, व इन्ना लहू लनासिहून, और यकीनन हम तो इसके खैर ख़्वाह हैं, अरसिल हो, हमारे साथ भेजें, माना हमारे साथ, गदन कल सुबह, यरता व यलाब, चरचुग लेगा, खेले कूदेगा, वइन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम इसका ख्याल करेंगे, ध्यान करेंगे। काला इन्नी लयहज़ुनुनी,
حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یہ بات غمگین کیے دیتی ہے، ان تذهبوا به، کہ آپ اسے لے جائیں گے، واخاف، اور مجھے یہ ڈر ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے، آپ کو خبر ہی نہ ہو. قالوا، وہ کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب، کیسے اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، اس صورت میں تو ہم بہت ہی خسارہ پانے والے ہوں گے کہ اتنے سارے بھائی ہوں اور ہماری آنکھوں کے سامنے بھیڑیا آ کر ہمارے بھائی کو لے جائے، کھا جائے. فلما ذهبوا به، پھر جب وہ حضرت یوسف کو لے گئے، واجمعوا، اور انہوں نے طے کر لیا، ان یجعلوہ، کہ وہ ڈال دیں، فی غیابات الجب، انہیں کنویں کی تہ میں، واوحینا، اور ہم نے وحی کی، الیہ، حضرت یوسف کی طرف، لتنبئنہم، کہ وہ ضرور بتائے گا، بامرہم، ان کے اس کام کے بارے میں، ھذا، جو یہ کام انہوں نے کیا ہے، وہم لا یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں. وجاؤ، اور آئے، اباہم، اپنے باپ کے سامنے، عشان، رات کے وقت، یبکون، روتے روتے. قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا، یقیناً ہم گئے، نستبقو، ہم دوڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، وترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، اور اسے بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن، اور آپ کو تو یقین ہی نہیں آئے گا، لنا، ہماری بات کا، ولو کنا صادقین، اور بھلے ہم سچ کہہ رہے ہوں. وجاؤ، اور وہ لائے، علی قمیصہ، ہی ان کی قمیص کو، بدم کذب، جھوٹے خون کو قمیص پر لگا کے وہ لے آئے. قال، حضرت یعقوب نے جواب دیا، بل سولت، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ ایک آراستہ کی ہوئی بات ہے. سولت لکم انفسکم، تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے ایک بات، بری بات گھڑ لی ہے، امرا، کسی معاملے میں، فصبر جمیل، تو بس صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ میرا، اللہ تعالیٰ سے ہی میں، میرا مددگار ہے، مدد طلب کرتا ہوں، علی ما تصفون، جو بات بھی تم بیان کر رہے ہو، جو قصہ تم سنا رہے ہو، یہ تو تمہارے اپنے دلوں کی گھڑی ہوئی داستان ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی یہ غم مجھ پر آیا ہے، اللہ ہی کی مدد مانگ رہا ہوں، اور صبر ہی کروں گا، اور صبر ہی بہتر ہے. وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، اور انہوں نے پانی لانے والا بھیجا، فادلا دلوا، تو اس نے اپنا ڈول اندر لٹکایا. قالا، کہنے لگا، یا بشرا، کیا خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے. واسروہ، اور انہوں نے اسے چھپا لیا، بداعتن، اپنے سامان میں، اپنی پونجی سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو کچھ یہ کر رہے تھے. وشروہ، اور انہوں نے خرید لیا، بیچ دیا، بثمن بخسن، بہت تھوڑی سی قیمت دے کر، دراہم، چند ایک دراہم کے بدلے میں، معدودتن، چند ایک کے بدلے میں بیچ ڈالا، وکانو فیہ من الزاہدین، اور وہ، انہیں اس میں کوئی رغبت نہیں تھی. ایک بات جو پیچھے آ رہی ہے، وہ حضرت یوسف کی، کہ جب وہ انہیں کنویں میں ڈالا اور چلے گئے، تو حضرت یوسف بچے تھے، 10 سال کے تھے، تو ان کا دل ایک دم بیٹھ گیا کہ یہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، یا اب میرا کیا ہوگا. واوحینا، تو ہم نے ان پر وحی بھیجی. حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی کے ذریعے ان کا دل باندھ دیا، انہیں تسلی دی، اور کیا فرمایا، یہ اس بات پر جو آج کر رہے ہیں، انہیں آج اس کی سمجھ نہیں ہے، لیکن یہ بہت شرمندہ ہوں گے آپ کے سامنے. وقال الذی اشتراہ، اور وہ شخص جس نے خریدا تھا حضرت یوسف کو، من مصر، مصر میں، لامرأته، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی،
इसको अच्छी तरह से रखो, अक्रिमी मसवाहु इनकी रिहाइश को अच्छा इज़्ज़तदार तरीके से इन्हें रखो। आसा मुमकिन है अयन फ़ाना के हमें इनसे नफ़ा मिले, और नतखिज़हु वलदा या इसे हम अपना ही बेटा बना लें। वकदालिक और इसी तरह मक्कन्ना हमने जगह दी, ली यूसुफ़ा यूसुफ़ को फिल अर्दी ज़मीन में, वली नुअल्लिमहु ताकि हम उसे तावील सिखा सकें, ख्वाबों की ताबीर सिखाएं, तावील अल अहादीसी ताकि हम उन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म दें। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, और अल्लाह अपने हर काम पर गालिब है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। वलम्मा बलगा और जब पहुँचे अशुद्दहु हज़रत यूसुफ़ अपनी जवानी को, आतेनाहु हमने उन्हें दी हुक्मन विजडम दानाई, वाइलमन और इल्म, वकदालिक और इसी तरह नज़्ज़ुल मुहसिनीन हम जजा देते हैं एहसान करने वाले नेकी करने वालों को। वरावदत हु और बहका दिया फुसला दिया उसे, अल्लती हुआ फ़ी बैतिहा उस औरत ने जिनके घर में हज़रत यूसुफ़ रह रहे थे, आन नफ्सी ही उनके अपने जी से, वगल्लकतिल अबवाब और दरवाज़े बंद कर दिए। वकालत है तलक तो औरत बोली कि मेरे पास आ जाओ, काला माद अल्लाह हज़रत यूसुफ़ ने जवाब दिया मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, इन्नहु रब्बी ये जो अजीज़ मिस्र तुम्हारा शौहर है ये मेरा पालने वाला है, मेरा आका है, आसना मसवाया इसने मुझे बहुत अच्छा ठिकाना दिया अपने घर पे रखा, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून बेशक ज़ालिम लोग फलाह नहीं पाते। वलकद हम्मत भी उस औरत ने हज़रत यूसुफ़ के साथ गलत काम करने का इरादा कर लिया, वहम्मा बिहा और हज़रत यूसुफ़ भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो ही गए थे, लौला अगर ना रा बुरहान रब्बी अगर वो अल्लाह की दलील ना देखते तो वो भी मुतवज्जे हो जाते। कज़ालिका इस तरह लिनसरिफ़ अन्हु हमने उनसे फेर दी, असूआ बुराई वलफाहशा और बेहयाई की बात, इन्नहु मिन इबादिना इन्नहु मिन इबादिनल मुखलिसीन वो हमारे मुखलिस बंदों में से एक था। वस्तबकल बाबा और वो दोनों दौड़े दरवाज़े की तरफ, वक़द्दत कमीसहु उस औरत ने हज़रत यूसुफ़ की कमीस फाड़ दी, मिन दुबुरिन पीछे से, व अल्फया और दोनों ने पाया सैयदहा अपने खाविंद को उसके खाविंद को, लदल बाब दरवाज़े के सामने, कालत तो वो औरत कहने लगी, मा जजाओ क्या सज़ा होगी उसकी, मन अरादा जिसने ये इरादा किया, बि अहली का कि वो तुम्हारी बीवी से सुअन बुराई करे, इल्ला इसके सिवा अयुस जना कि इसे जेल कर दी जाए, और अजाबुन अलीम या इसे दर्दनाक अजाब दिया जाए। अब अल्लाह ताला की निशानी हज़रत यूसुफ़ को नज़र आ गई, अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबिया की हिफाजत उनके किरदार की उनके अख्लाक की खुद फरमाई है, तरबियत भी खुद फरमाई है। अब यहाँ अल्लाह ताला ने इनके किरदार की इनकी इस्मत की हिफाजत की उस औरत से, अब इससे पहले कि वो इरादा भी करते अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी निशानियाँ दिखाई। अब ये भाग खड़े हुए उस औरत से और वो औरत इनके पीछे भागी और इन पीछे से इनकी कमीज़ फाड़ दी। अब ये आगे भाग रहे हैं वो पीछे भाग रही हैं और दरवाज़ा खुला और शौहर दाखिल हो गया, तो ये औरत फौरन ही क्या कहती है कि भला देखो तो इस आदमी को क्या सज़ा देनी चाहिए जिसने तुम्हारी बीवी से बुराई का इरादा किया हुआ है, या इसे कैद कर दो और या फिर इसे सख्त अजाब दो, सज़ा दो। हज़रत यूसुफ़ ने कहा, काला फरमाया, ही अरावदतनी इसने मुझे बहकाया था, आन नफसी मेरे जी से, व शाहिद शाहिद मिन अहलिहा और उस औरत के ख़ानदान में से एक शाहिद ने गवाही दी, इनकाना कमीसुहु अगर इनकी कमीस कुद्दा मिन कुबुलिन सामने से फटी हुई है, फसदकत तो ये खातून सच्ची हैं, व हुआ मिन अल काज़िबीन और हज़रत यूसुफ़ झूठ बोल रहे हैं, व इनकाना कमीसुहु और अगर हज़रत यूसुफ़ की कमीस कुद्दा मिन दुबुरिन पीछे से फटी हुई है, फ़कज़बत तो इस खातून ने झूठ बोला है, वह हुआ मिन सादिकीन और हज़रत यूसुफ़
सच बोल रहे हैं। फलम्मा रआ, फिर जब अज़ीज़ मिस्र ने देखा कमीसहु, हज़रत यूसुफ़ की कमीज़ को, कुद्दा मिन दुबुरिन, कि वो पीछे से फटी हुई थी, काला, तो कहने लगे, इन्नहु मिन कैदिकुन, ये तुम्हारी चालबाजियां हैं औरतों की, इन्ना कैदकुन अज़ीम, मकरो फरेब में तुम बहुत ख़तरनाक हो, तुम्हारा मकर, तुम्हारा फरेब बहुत ख़तरनाक होता है। यूसुफ, ए यूसुफ, आरिद अन हादा, इस बात से दूर रहो। वस्तग़फिरी, और ए औरत, लिज़म्बी का, तो अपने गुनाह, लिज़म्बी की, तो अपने गुनाह से इस्तग़फार कर। इन्ना की कुंती मिनल ख़ातिईन, बेशक तू खुद ही ख़ताकार है, तो अपने रब से इस बात के लिए तौबा कर। अज़ीज़ाने गिरामी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहीं से शुरू करेंगे।